Welcome again, students. Myself, Urvashi Parihar, senior lecturer in education. In my last video, students, you studied about the four major types of co-curricular activities. तो पहली है literary activities, second is aesthetic and cultural activities, third is social activities and fourth is physical activities. तो ये मैंने आपको last video में बताया था कि ये क्या होती हैं. तो हम इन्हें वन बाई वन डिस्कस करेंगे. तो आज हम सिर्फ लिटरेरी एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे. लिटरेरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, और इससे पहले मैं आपको थोड़ा ये बताती हूँ कि जब हम इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में फिर से बता देती हूँ लिटरेरी एक्टिविटीज़ क्या है. हालांकि मैं इसको पहले आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. देखिए बच्चे, लिटरेरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो एक बच्चे की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उसके इंटेलेक्ट को डेवलप करने के लिए. यानी दीज एक्टिविटीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में ये जो एक्टिविटीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. दीज एक्टिविटीज डेवलप द मेंटल हॉरिजन ऑफ द स्टूडेंट्स. ये बच्चे के मेंटल हॉरिजन को डेवलप करती हैं. और बच्चे जो होते हैं, देखिए, ट्रेनिंग ऑफ स्पीकिंग, उन्हें बोलने की एक ट्रेनिंग मिलती है बिफोर द ऑडियंस कि किस तरह से हमने ऑडियंस के सामने बोलना है. और इससे क्या होता है, बच्चों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और एक करेज आता है, एक साहस मिलता है उनको दूसरे अपने ऑडियंस को फेस करने का. हिम्मत से वो खड़े रहते हैं. और इससे क्या होता है, उनकी जो नर्वसनेस जो होती है, फियर, जो एक स्टेज फियर होता है, वो डिसपेयर हो जाता है. तो बहुत सी लिटरेरी एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है बच्चों, वो है डिबेट, स्कूल मैगजीन एंड लाइब्रेरी. तो अभी हम डिबेट को डिस्कस करते हैं कि डिबेट क्या होती है. तो बच्चों, आप आए दिनों अपने स्कूल में देखते रहते हो डिबेट कंपटीशन हो रहा है. तो डिबेट होती क्या है, सिर्फ बच्चे बोलते हैं उसके, वो डिबेट नहीं होती. अब डिबेट में क्या क्या होता है ये देखिए. सबसे पहले देखिए डिबेट क्या है. इट इज़ अ लिटरेरी डिस्कशन अबाउट अ टॉपिक रिच इन आर्ग्यूमेंट्स. ये एक लिटरेरी डिस्कशन होती है. ये माइंड्स की, व्यूज की, हमारे थाट्स की एक आर्ग्यूमेंट्स होती है. इसमें क्या होता है कि कोई टॉपिक बच्चों को दिया जाता है और उस टॉपिक पे कुछ बच्चे उसकी फेवर में बात करते हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं उस टॉपिक के अगेंस्ट अपना वो विचार रखते हैं, अपनी थाट प्रेजेंट करते हैं. तो इस तरह से डिबेट में दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं. आधा एक ग्रुप जो होता है वो उसके फेवर में बोलेगा और दूसरा ग्रुप जो होगा वो उसके अगेंस्ट बोलेगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई टॉपिक ले लेते हैं कि विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप. आप बच्चों ने टेंथ में ये ऐसे पढ़ा होगा कि साइंस के फायदे और नुकसान. तो कुछ बच्चे जो होंगे वो उसके मेरिट्स बताएंगे और कुछ बच्चे उसके डिमेरिट्स बताएंगे. तो दो ग्रुप बन गए. आधे वाले मेरिट्स बोलेंगे और आधे वाले डिमेरिट्स. और बाद में, और जब वो बच्चे बोलते हैं ना, तो खूब आर्ग्यूमेंट होती है, खूब बहस होती है बच्चों में. वो दूसरे बच्चों के थाट्स को किस तरह से काटते हैं ये देखने में बहुत मज़ा आता है. और लास्ट में वेटेज उसी को मिलती है, उसी बच्चे को या उसी ग्रुप को मिलती है जो बच्चे बहुत अच्छी तरह से ऑडियंस को कन्विंस कर पाए हों अपनी थाट्स से, जिनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, जिनकी प्रोनंसिएशन बहुत अच्छी हो, जिनका कंटेंट मटेरियल बहुत अच्छा हो, जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हो. तो ये है डिबेट. अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं. तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ टॉपिक. तो डिबेट में सबसे पहले क्या होता है कि टॉपिक को सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सा टॉपिक होगा, विषय कौन सा होगा जिस पे बच्चों ने बोलना है. उसके बाद सेकेंड होता है फॉर्मेशन ऑफ टू ग्रुप्स. उसके बाद दो ग्रुप बनाए जाते हैं. एक ग्रुप उसके फेवर में बोलेगा और दूसरा उसके अगेंस्ट. आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ द टॉपिक एंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द टॉपिक. और उसके बाद क्या होता है, उसमें टाइम भी फिक्स किया जाता है कि हर एक बच्चे के लिए कितना टाइम होगा, 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट. और उसी समय में उस बच्चे ने अपने पूरे व्यूज, अपनी पूरी सोच विचार जो है वो ऑडियंस के आगे रखनी है. और एक स्टेज सेक्रेटरी भी होता है जो जो पूरे इस प्रोग्राम को क्या करता है, होस्ट करता है. और वो ही पूरी यानी उसकी ही पूरी रिस्पांसिबिलिटी होती है पूरे प्रोग्राम को देखने की, बच्चों को स्टेज पे बुलाने की, पूरे टाइम का वही ध्यान रखते हैं. और इस तरह से हमारी जो डिबेट प्रोग्राम जो होता है ऑर्गेनाइज होता है. अब देखिए, अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि डिबेट जो है ये किस तरह से बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है. तो डिबेट जो है ये, इसकी बहुत सी इम्पॉर्टेंस होती हैं, ये बहुत तरह से फायदेमंद है बच्चों के लिए. तो सबसे पहले हम लेते हैं लिंग्विस्टिक इम्पॉर्टेंस.
लिंग्विस्टिक इम्पॉर्टेंस। लिंग्विस्टिक इम्पॉर्टेंस क्या होती है? देखिए बच्चों, जो बच्चे डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, उनकी जो लिंग्विस्टिक एबिलिटी होती है ना, बोलने की एक योग्यता, एक क्षमता, वो इंक्रीज होती है। इट इंक्रीज द लिंग्विस्टिक एबिलिटी ऑफ द स्पीकर्स। और क्या होता है, इससे बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ती है, शब्दों का ज्ञान बढ़ता है। जब बच्चों को कोई टॉपिक दिया जाता है, तो बच्चे उस टॉपिक पे नेट में उस टॉपिक को ढूंढते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, बुक्स को देखते हैं, तो कितने नए नए वर्ड्स, नए नए टॉपिक्स के बारे में उनको नॉलेज होता है। तो इस तरह से शब्दों का ज्ञान उनका बढ़ता है, लिंग्विस्टिक एबिलिटी उनकी बढ़ती है, इट एनरिचेस हिज देयर वोकैबुलरी। और बच्चों को एक ट्रेनिंग मिलती है, एंड दे गेट ट्रेनिंग इन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ओरल एक्सप्रेशन। एंड नाउ इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले देखो बच्चों, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ यूर रीजनिंग पावर, डेवलपमेंट ऑफ यूर जजमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सब की जजमेंट, इन सब की क्या होती है, डेवलपमेंट। तो देख लिया इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या है। इसका मतलब आपकी याददाश्त, आप किस तरह से किस चीज़ को कितना याद रखते हो, आपकी इमेजिनेशन पावर कितनी है, आपकी रीजनिंग पावर कितनी है, कितना लॉजिकली आप सोचते हो, आप में जजमेंट पावर कितनी है। तो ये सारी हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। सो दीज एक्टिविटीज आर वेरी हेल्पफुल, यानी डिबेट इज वेरी हेल्पफुल इन क्लियर लॉजिकल एंड ओरिजिनल थिंकिंग। यानी दीज एक्टिविटी प्रोवाइड्स द बेस्ट मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। बच्चों को एक बहुत ही अच्छा एक जरिया मिलता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। दे डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चों को एक में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। बच्चे जो होते हैं अपने माइंड में नई नई एक नई नई सोच लाते हैं, जिनको वो उस टाइम पे डिबेट के टाइम पे दूसरों के सामने रखते हैं। इस तरह से उनका वो जो एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होती है, एफिशिएंसी जो होती है, वो लोगों के सामने आती है। नो थर्ड इज वोकेशनल इम्पॉर्टेंस। वोकेशनल इम्पॉर्टेंस कि इसका व्यवसायिक इसकी क्या विशेषता है, कि डिबेट किस तरह से वोकेशनल इसकी इम्पॉर्टेंस क्यों है। देखो लिटरेरी एक्टिविटीज में क्या होता है, डिस्कशंस होती है, आर्ग्यूमेंटेशन होता है, ओरली बच्चे बोलते हैं। तो ट्रेनिंग इन डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंटेशन एंड ओरेटरी इज इम्पॉर्टेंट इन लेटर लाइफ। ये आने वाली लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिनमें इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल टीचिंग ले लो बच्चों, टीचिंग जो है ये बोलने का काम है। टीचर आपको पढ़ा रहा है, बोलना है, उसमें कितनी एफिशिएंसी है, उसमें कितना पेशेंस है, उसमें कितना स्टेमिना है, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कितनी है, लिंग्विस्टिक उसकी एबिलिटी कितनी है बच्चों को कन्विंस करने की। टीचिंग प्रोफेशन हो गया, एक पब्लिक लीडरशिप हो गई, एडवोकेट्स जो होते हैं, लायर्स जो होते हैं, उनमें भी ये चीज़ ये गुण होता है बोलने का, अपनी ऑडियंस, अपने जो जो भी हैं जिनके लिए वो केस लड़ते हैं, उनको अपने कन्विंस करने का, अपने जो अगेंस्ट खड़ा है उसको एकदम से अपने सोच से, अपने प्लानिंग के जरिए उनको नेगेटिव करने का, ठीक है। सो ये आगे इसकी वोकेशनल इम्पॉर्टेंस कि हमारे आने वाली लाइफ में भी डिबेट जो होती है ये बच्चों को एक अच्छा व्यवसाय दे सकती है, क्योंकि डिबेट से बच्चों में ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, वो क्वालिटीज़ डेवलप जो होती हैं, वो क्वालिटीज़ आगे जाके जो हैं वो बच्चों की हेल्प करती हैं, बच्चे कई तरह के इस तरह के प्रोफेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज कन्विंसिंग इम्पॉर्टेंस। कन्विंसिंग इम्पॉर्टेंस हो गया कि किस तरह से आप अपने व्यूज जो हैं वो दूसरों को मनवा सकते हो और दूसरे आपकी बातों पे यकीन कर सकते हैं। द डिबेटर हैज टू कन्विंस द ऑडियंस। डिबेटर वो है जो अपनी ऑडियंस को कन्विंस करता है अबाउट द करेक्टनेस ऑफ व्यूज, कि उसके व्यूज बिल्कुल सही हैं। तो ये एक इससे कन्विंसिंग पावर भी बढ़ती है, ठीक है, कि इसकी एक कन्विंसिंग इम्पॉर्टेंस ये होगी। नेक्स्ट इज डिसिप्लिनरी इम्पॉर्टेंस। तो देखो मैं कहती हूँ डिसिप्लिन हर एक फील्ड में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटीज़ हो या को करिकुलर एक्टिविटीज़। डिबेट हो गई, डिस्कशन हो गया, दीज इम्पॉर्ट द ट्रेनिंग ऑफ हियरिंग अदर्स आल्सो, कि बच्चे तो बोल रहे हैं लेकिन ऑडियंस जो सुन रही है ना उनमें भी पेशेंस होता है। अब जो बोल रहा है उसको अगर कोई सुन ही नहीं रहा हो तो बोलने वाले का जो एक वो जो होता है ना उसमें बोलने का एक
जुनून जो होता है वो वहीं पे, उसका मॉरल वहीं पे वो हो जाता है, डाउन हो जाता है कि कोई तो सुन ही नहीं रहा है। तो ऑडियंस का होना, ऑडियंस का सुनना जो होगा होता है वो बहुत ज़रूरी है, ऑडियंस का होना ही बहुत ज़रूरी है। तो ऑडियंस में ये पेशेंस होनी चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं उनको अच्छी तरह से सुन सकें। द पीपल लर्न्स हाउ टू लिसन पेशेंटली एंड हाउ टू एनालाइज द कंटेंट ऑफ अ स्पीच। तो ये आ गया डिसिप्लिनरी इम्पॉर्टेंस। नाउ स्टूडेंट्स, ये था हमारा डिबेट। अब हम चलते हैं स्कूल मैगजीन की तरफ कि स्कूल मैगजीन क्या होती है। कि डिबेट आपका क्लियर हो गया। नाउ स्कूल मैगजीन, स्कूल मैगजीन क्या है? स्कूल मैगजीन इट इज अ नेचुरल मीडियम फॉर कम्युनिकेटिंग देयर आइडियाज एंड थॉट्स। ये एक नेचुरल मीडियम है फॉर कम्युनिकेटिंग द आइडियाज एंड थॉट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। स्कूल मैगजीन एक बुक होती है, एक मैगजीन होती है जो हर साल स्कूल के लिए पब्लिश की जाती है, और इसका एक मेन मकसद होता है कि बच्चों को एक मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए कि बच्चे अपने आप को पूरी तरह से क्या करें, एक्सप्रेस कर सकें। और इसी के जरिए बच्चों को एक मौका मिलता है, वो अपनी थॉट होते हैं, अपने व्यूज होते हैं, अपने आइडियाज होते हैं, अपनी किसी स्टोरी के जरिए जो भी वो देना चाहते हैं, किसी पोइम के जरिए, किसी आर्टिकल के जरिए दे सकते हैं। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, थॉट्स एंड आइडियाज। एंड और क्या इसका फायदा है? इसका फायदा ये है कि बच्चों को जब लगता है कि स्कूल की मैगजीन पब्लिश होने वाली है, तो हर एक बच्चे का ये होता है कि मैं भी अपना आर्टिकल दूं, मैं भी अपनी पोएम दूं, जिसमें जो टैलेंट है, जो देना चाहता है वो देने की कोशिश करता है। तो बच्चे उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, वर्क हार्ड टू प्रिपेयर आर्टिकल्स, पोएम, स्टोरीज एटसेट्रा, क्योंकि उन्हें पता है कि हर एक बच्चे का दिया हुआ तो पब्लिश होगा नहीं, पब्लिश तो वही चीज़ होगी जो सबसे बेस्ट होगी। तो वो बहुत मेहनत करते हैं इसमें, तो एक ये क्वालिटी, हार्डवर्क की क्वालिटी उनमें आती है। और नेक्स्ट क्या है, इट डेवलप पावर ऑफ एक्सप्रेशन। और इससे क्या होता है, बच्चे की जो एक्सप्रेसिव पावर जो होती है वो बढ़ती है। बच्चे में कितना टैलेंट है, कितना हुनर है, बच्चे, अब कई बच्चे जो होते हैं ना, बहुत वो क्या होते हैं कि बहुत इस तरह के होते हैं कि वो अपने टैलेंट को अंदर ही दबा के रखते हैं, इतने शर्मीले होते हैं कि उनको बाहर किसी को शो नहीं करते हैं। लेकिन जब उन्हें लगता है कि कुछ इस तरह का हमारे स्कूल में होने वाला है, कुछ मैगजीन पब्लिश हो रही है, तो उसके लिए हम अपने व्यूज़, अपने आइडियाज हम लिख के दे सकते हैं, तो वो उस वक्त हमें उन बच्चों के टैलेंट का पता चलता है कि वो कितनी अच्छी स्टोरी लिख रहे हैं, कितनी अच्छी पोएम बना रहे हैं, कितने अच्छे आर्टिकल्स उन्होंने दिए हैं स्कूल मैगजीन के लिए। सो अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है स्कूल मैगजीन की, इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, स्कूल मैगजीन को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक एडिटोरियल बोर्ड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एडिटोरियल बोर्ड बनाया जाता है। अब ये सबसे पहला इसका यही फंक्शन है कि इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। अब स्कूल मैगजीन एकदम से तो बनती नहीं है, इसके लिए सबसे पहले एडिटोरियल बोर्ड बनता है। एडिटोरियल बोर्ड क्या होता है कि इसमें वही उन्हीं बच्चों को रखा जाता है, उन्हीं को ये असाइनमेंट दी जाती है जो बच्चे किसी जिनकी एक अच्छी कमांड होती है, बेटर कमांड ऑन द लैंग्वेज, शुड बी सिलेक्टेड एज एडिटर्स, उनको वो सिलेक्ट किया जाता है। ईच स्टूडेंट एडिटर जो होता है ना, शुड वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ अ स्टाफ मेंबर। और उनको कौन गाइड करता है? जो स्कूल के स्टाफ होता है, टीचर होता है, वो उनको गाइड करता है और उनकी गाइडेंस के अंडर ही वो ये सारा काम करते हैं। नेक्स्ट होता है इनवाइटिंग आर्टिकल्स। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है कि बच्चों को बता दिया जाता है कि स्कूल के लिए मैगजीन पब्लिश होने वाली है, कि जो भी बच्चा अपने मन से अपने आइडियाज, अपने थॉट को किसी भी शेप में, चाहे वो पोएम की शेप में, स्टोरीज की शेप में, आर्टिकल्स की शेप में, या किसी जोक की शेप में बताना चाहता है, वो बच्चा हमें अपने आर्टिकल सबमिट करवा सकता है। और डेट को फिक्स कर दिया जाता है, फिक्सिंग डेट, और डेट को फिक्स किया जाता है कि इस डेट तक हमारे पास सारे आर्टिकल्स जो भी बच्चा देना चाहता है वो आ जाने चाहिए। और उसके बाद क्या होता है कि जब बच्चों को डेट फिक्स हो जाती है और बच्चे अपने काम में जुट जाते हैं कि हमें अब अपना जो भी देना है, आर्टिकल देना है, पोइम देनी है, जो भी हम मैगजीन के लिए देना चाहते हैं, तो उसमें टीचर जो है हुआ है वो उनकी गाइड, टीचर उनको गाइड करते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं टीचर की गाइडेंस लेने के लिए। उसके बाद क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। जब गाइडेंस मिल जाती है, सब बच्चों
जब टीचर्स उनको गाइड करते हैं, हर एक बच्चा अपना मटेरियल प्रिपेयर कर लेता है, उसके बाद जब डेट आती है तो फिक्स डेट पे वो सारे आर्टिकल्स सबमिट हो जाते हैं एडिटोरियल बोर्ड पे, ठीक है। और उस बोर्ड में जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए होते हैं ऑलरेडी, जिनको हेड बनाया बनाया गया होता है एडिटोरियल बोर्ड के, वो वही बच्चे होते हैं जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो बच्चे और उनके साथ जो टीचर्स होते हैं जिनको ये असाइनमेंट दिया गया होता है, वो उन सभी आर्टिकल्स को अच्छी तरह से देखते हैं। अब देखो, स्कूल में इतने स्टूडेंट्स होते हैं, सभी बच्चों के आर्टिकल्स जो भी दिया हो वो मैगजीन में पब्लिश करना इम्पॉसिबल होता है। मैगजीन में वही चीज़ आती है जो थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होती है, जिस बच्चे का थोड़ा मटेरियल हटके होता है, जिसने सबसे अच्छी तरह से अपने थाट को, अपने व्यूज़ को प्रेजेंट किया होता है। तो सिलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स, फिर उन आर्टिकल्स को सिलेक्ट करने की एक प्रक्रिया शुरू होती है, वो प्रोसेस शुरू होता है। और जब वो सिलेक्ट हो जाता है कितने बच्चों का हमने क्या आर्टिकल्स को सिलेक्ट कर लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है प्रिंटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। और नेक्स्ट स्टेप उसके बाद हमारे पास आता है प्रिंटिंग, कि जो भी आर्टिकल सिलेक्ट हुए उनको प्रिंट करना है। जब उनको प्रिंट किया जाता है फिर प्रूफ रीडिंग होती है, और एक कॉपी सबसे पहले प्रिंट होती है और उसकी प्रूफ रीडिंग होती है कि कहीं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर होगा तो उसको दोबारा से क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है, उस एरर को ख़त्म किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, जब हमारी मैगजीन बिल्कुल परफेक्ट होती है, तैयार हो चुकी होती है, तब उसको क्या क्या किया जाता है, तब उसको इशू किया जाता है। और तब वो मैगजीन स्कूल का हर एक बच्चा ले सकता है, वो अपने घरों में ले सकता है इसको, हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे सोसाइटी के लोग भी उसको ले सकते हैं, स्टाफ मेंबर्स के पास ये होती है। तो ये था हमारा स्कूल मैगजीन, कि मेन क्या था कि स्कूल मैगजीन क्या है। स्कूल मैगजीन एक मौका देता है बच्चों को, इससे बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये एक नेचुरल मीडियम है बच्चों को, ताकि वो अपने आइडियाज, अपने थाट को कम्युनिकेट कर सके। उनमें एक रिटर्न एक्सप्रेशन आता है, किस तरह से वो लिख के अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, उनकी योग्यता, उनका टैलेंट, उनका हुनर, उनका स्किल बाहर आता है इसके जरिए। तो ये था हमारा स्कूल मैगजीन। नेक्स्ट इज, थर्ड इज लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी क्या होती है। तो लाइब्रेरी क्या है ये तो आप जानते हो। लाइब्रेरी को क्या कहा गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। ये किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का हार्ट एंड सोल, यानी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। हार्ट एंड सोल एक इंसान के अंदर क्या है, कि उसकी लाइफ होती है उससे। तो एक स्कूल में एक लाइब्रेरी को क्या नाम दिया गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइब्रेरी क्या होती है। तो लाइब्रेरी क्या है, द प्लेस वेयर अ कलेक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ बुक्स इज मेड अवेलेबल फॉर द बेनिफिट ऑफ रीडर्स। ये वो जगह होती है जहाँ पे हर एक किस्म की किताब को रखा जाता है, चाहे वो आपके सोसाइटी से रिलेटेड हो, चाहे आपके पॉलिटिकल मैटर से रिलेटेड हो, चाहे और कोई हो, चाहे वो जर्नल हो, मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, चाहे आपके सिलेबस से रिलेटेड कोई बुक्स हो, उन सभी बुक्स को रखा जाता है ताकि हर एक पढ़ने वाला उसका फ़ायदा उठा सके। इसमें मैगजीन्स होती हैं, जर्नल्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैप्स भी होते हैं, एटसेट्रा, और भी बहुत सी बुक्स होती हैं। हेल्पफुल फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इन इस लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी होती है, इसका मेन मकसद और क्या होता है, देखो इससे बच्चों को बहुत सा फ़ायदा होता है, खासकर उन बच्चों का, वो बच्चे होते हैं जो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे एक्सपेंसिव बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मार्केट से वो परचेज नहीं कर सकते हैं, तो उन बच्चों के लिए लाइब्रेरी बहुत हेल्पफुल प्रूव होती है। वो बच्चे लाइब्रेरी में आके वो जो बुक्स होती हैं उनको इशू करते हैं, वहाँ से वो अपना सारा काम करते हैं, वहाँ से अपनी पूरी स्टडीज को वो कंटिन्यू करते हैं। यानी हेल्पफुल फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हु कैन नॉट परचेज टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम द मार्केट, उन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। उसके बाद क्या होता है कि लाइब्रेरी जो है ये क्या है, ये बच्चों में एक रीडिंग हैबिट डेवलप करती है, बच्चों में एक पढ़ने की आदत आती है। जब बच्चे कभी आप जब फ्री होते हो तो आप लाइब्रेरी में आते हो, कई बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर में पढ़ने में उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। न्यूज़पेपर जब वो पढ़ते हैं उनकी वोकैबुलरी कितनी इंक्रीज होती है, किस तरह से वो हर एक चीज़ को वहाँ पे सीखते हैं, ये एक पढ़ने की आदत उनमें डेवलप होती है। इंटेलेक्चुअल फंक्शन इसका क्या है,
इट ब्रॉडन्स देयर थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी. मैंने अभी आपको बताया था इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होती है. इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ योर लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, इट इज डेवलपमेंट ऑफ योर क्रिएटिविटी, डेवलपमेंट ऑफ योर जजमेंट, जजमेंट डेवलपमेंट ऑफ योर रीजनिंग पावर, योर लॉजिक, लॉजिक थिंकिंग. ठीक है, ये सारी चीज़ों की डेवलपमेंट जो है इंटेलेक्चुअल. और ये सारी चीज़ें देखो, पढ़ने से ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं. आपकी मेमोरी शार्प होती है, आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, आपकी जजमेंट पावर अच्छी होती है, लॉजिकल थिंकिंग आप में आती है. तो एक लाइब्रेरी का देखो कितना फायदा है. और साथ साथ में इसका ये रीडिंग हैबिट भी बनती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होती है, और आपका एक इसका एक रिक्रिएशनल फंक्शन भी है कि जब बच्चे फ्री होते हैं, वो बोर्डम फ्री करते हैं तो वो लाइब्रेरी में आ जाते हैं. तो न्यूज़पेपर खोल लिया तो कभी वहाँ पे जोक्स भी दिए होते हैं वो पढ़ लिया, हंस लेते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं, एक साथ में बच्चे बैठते हैं तो एक क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट भी साथ साथ में होती है उनकी. ग्रुप एक्टिविटी होती है ना, सारे बच्चे एक साथ बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जोक्स बोल रहे हैं, दूसरे को हंसा रहे हैं, तो रिफ्रेश हो जाते हैं. तो लाइब्रेरी के कितने फायदे हैं. तो ये था हमारा आज लिटरेरी एक्टिविटीज़. तो इसमें सबसे पहले आपने देखा लिटरेरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं. ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके मेंटल हॉरिजन को ब्रॉड करती हैं. और इसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ तीन थी. डिबेट हमने किया, स्कूल मैगजीन की और लाइब्रेरी की. तो ये था हमारा लिटरेरी को करिकुलर एक्टिविटीज़. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा कल्चरल एंड एस्थेटिक को करिकुलर एक्टिविटीज़. So that is all, students. Stay home and stay safe. Thank you.